कई बार आप अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे उपाय खोजते रहते हैं कि मेरा जीवन इस प्रकार से बदल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, यदि आपने उस चीज को फॉलो कर लिया तो आपके जीवन में इंस्टेंट आज से अभी से इसी वक्त से बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन उस बदलाव को समझने के लिए आपको पूरी की पूरी बात को ठीक से समझना होगा। एक बार की बात है, एक किसान था जो कि भगवान के मौसम वाले सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान था। वो हमेशा कंप्लेन करते रहता था कि काश ये भगवान जो मौसम वाला सिस्टम है वो मेरे हाथों में दे दे, यदि वो मेरे हाथों में मौसम वाला सिस्टम दे देगा तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब गर्मी पड़वाना होगा तो मैं ठीक से गर्मी पड़वा लूंगा, जब ठंड लाना होगा तो मुझे पता है कितनी ठंड लाना है, मैं उसके हिसाब से कर लूंगा, जब बरसात लाना होगा तो मैं उस हिसाब से बरसात ले आऊंगा। क्योंकि भगवान को तो कुछ पता ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा ठंड पड़वा देता है कभी कभी, बहुत ज्यादा बारिश करवा देता है, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा गर्मी कर देता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो प्रार्थना करने लगा कि काश भगवान ये सब सिस्टम मेरे हाथ में दे दे। एक दिन भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और धरती पर आ गए और कहा कि क्या मांगना चाहते हो, मुझसे मांग लो। उस किसान ने कहा कि मैं आपके मौसम वाले सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये मौसम वाला सिस्टम जो है वो मेरे हाथों में दे दे, बाकी आप कुछ भी करें लेकिन मौसम मेरे अकॉर्डिंग बदले। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप इसे भी करके देख लीजिए। किसान को जब ये वरदान मिला तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने सोचा कि अब तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरी जितनी भी फसल है वो सारी की सारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मौसम का जो सिस्टम है वो मुझे ठीक से पता है और वो मेरे हाथ में आ गया तो मैं अपने अकॉर्डिंग मौसम बदल लूंगा। अब सबसे पहले बारी आई फसल को बोने की, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी बारिश करवा ली। उसने कहा कि बारिश बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, तो थोड़ी थोड़ी बारिश करवा दीजिए। तो वैसा ही हुआ, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो गई। उसके बाद उसने बीज बो दिए। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। अब उसने कहा कि ठंड भी जो है बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो थोड़ी थोड़ी सी ठंड पड़ना चाहिए। तो वैसा ही हुआ, थोड़ी थोड़ी सी ठंड पड़ गई और धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता गया। अब उसने कहा कि गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है गर्मी से, तो थोड़ी थोड़ी सी गर्मी हो ताकि फसल पक जाए। और वैसा ही हुआ, समय आगे बढ़ता गया और उसने देखा कि खेत के अंदर बहुत अच्छी फसल लहला रही है और वो मन ही मन बहुत खुश होने लगा, प्रसन्न होने लगा और मन ही मन कहने लगा कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर भगवान मुझे ये मौसम वाला सिस्टम मेरे हाथों में दे दे तो फसल बहुत अच्छी होगी और सबका जीवन जो है बहुत अच्छे से निकलेगा, देखो फसल कितनी अच्छी हुई है। और वो दूर से फसल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगा और उसने सोचा कि चलो फसल के बीच में चलता हूं मैं। धीरे धीरे करके उसने अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए और फसल के बीच में जाकर खड़ा हो गया। और जैसे ही वो बीच में गया, वहां पर जाकर फूट फूट कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और फिर से बहुत ज्यादा परेशान हो गया, जमीन पर लेट गया और कहने लगा कि भगवान ये क्या किया तुमने मेरे साथ, और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आपने मुझे बर्बाद कर दिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप वापस आओ और मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दो। अब भगवान वहां पर वापस से उपस्थित हो गए और कहने लगे कि अरे क्या हुआ, इतना रो क्यों रहे हो, गिड़गिड़ा क्यों रहे हो, मुझे कारण तो बताओ। तो उस किसान ने कहा कि आपने सारे के सारे सिस्टम को मेरे अकॉर्डिंग कर दिया, अब देखिए फसल कितनी अच्छी लगी है, लेकिन जैसे ही मैं फसल के बीच में गया मैंने देखा कि इसके अंदर तो एक भी दाना नहीं है, फसल तो दूर से बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन इसके अंदर कोई दाना ही नहीं है, अब मेरा क्या होगा, आपने ऐसा क्यों किया। भगवान मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा कि तुमने मुझे कहा था कि सारा का सारा जो मौसम वाला सिस्टम है मैं तुम्हारे हाथों में दे दूं और मैंने वैसे ही किया, अब तुमने थोड़ी थोड़ी सी बरसात होने दी जिसके कारण हुआ ये कि जो जल है वो जमीन के अंदर जा ही नहीं पाया ठीक से। उसके बाद जब ठंड का मौसम आया तो तुमने कहा कि ज्यादा ठंड नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी ठंड पड़ना चाहिए, और उसके कारण जो बीज मजबूत होते थे, मजबूत होने की जो प्रोसेस थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई और बीज जो है मजबूत ही नहीं बन पाया। उसके बाद जब गर्मी आई तो आपने कहा कि गर्मी ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, बहुत कम पड़ना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, और इस वजह से जो थोड़ी बहुत फसल भी आई थी वो भी पक नहीं पाई, वो भी खराब हो गई। तो फसल दिखने में तो बहुत ठीक दिख रही है लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर के जितने भी बीज है वो खत्म हो चुके हैं, और ये मेरे कारण नहीं हुआ है, ये तुम्हारे ही कारण हुआ है। और ये सुनते सुनते किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे समझ में आ गया कि मेरी गलती कहां थी। अब वो कौन सी एक चीज है जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है, वो चीज एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में तीन चीजें आती है। पहली होती है किसी चीज का एहसास होना, किसी चीज के बारे में पता लगना कि हाँ यहां मैं गलत हूं, यहां पर मैं सही हूं। दूसरा, सिर्फ एहसास होने से काम नहीं चलेगा, आपको उस चीज को मानना भी पड़ेगा, एहसास होने के बाद आपको उस चीज को एक्सेप्ट भी करना होगा। लेकिन इन दोनों से भी काम नहीं चलने वाला,
जब तक कि आप उसे बदलने का फैसला ना ले ले, उसके ऊपर एक्शन ना ले ले। इसका मतलब सबसे पहले आपको किसी भी चीज का एहसास होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती है या ये मैंने चीज सही की है। उसके बाद आपको उस चीज को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना माने काम नहीं होगा, और उसके बाद आपको उस चीज को सुधारना भी पड़ेगा, क्योंकि पहली दो चीज कर भी ली तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सोच कर देखिए, जब एक चोर चोरी करता है तो उसे पूरा एहसास होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार चोरी करता है। अब मान लीजिए कि वो चोरी करता रहे और एक दिन आए जब उसे कोई पकड़ ले, उसे पुलिस पकड़ ले और वो जीवन भर के लिए जेल में चला जाए, तो सोच कर देखिए बाद में उसके एक्सेप्ट करने पर और उसके सही एक्शन लेने पर क्या फायदा, जबकि वो तो अब जेल में चला गया है। इसलिए सिर्फ एहसास होने से काम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कि उस चोर को एहसास भी हो गया और उसने इस बात को मान भी लिया कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी यदि वो चोरी करता रहेगा तो क्या फायदा होने वाला है, क्या उसके जीवन में कोई सुधार होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। अब इसी बात को रिश्तों में समझते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है और वो किसी लड़की के साथ रिश्ते में है, और उसी के साथ साथ वो किसी और दूसरी लड़की के साथ भी रिश्ते में है। अब उसे इस बात का एहसास तो है कि मैं गलत हूं, मैं गलत कर रहा हूं, और इस बात को वो मान भी रहा है, लेकिन जब तक अपने आप को बदलेगा नहीं, सुधारेगा नहीं, वो अपनी गलतियों को मान नहीं लेगा, तब तक क्या उसके जीवन में परिवर्तन होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन जिस दिन वो पकड़ाएगा, सोच कर देखिए कि यदि वो अपनी गलती को मान भी लेगा, एक्सेप्ट भी कर लेगा और सुधारने के बारे में भी कहेगा, तब भी जाकर कोई व्यक्ति उसकी बात मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। और ऐसे ही होता है आप सभी के जीवन में भी, कि आज अभी इसी वक्त आप ऐसी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जो आपको पता है, आपको एहसास है कि वो चीज गलत है। यदि आप उसे करते रहेंगे तो आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं बन पाएंगे आपके, लेकिन उसके बाद भी आप उन चीजों को अपनी लाइफ में करते चले जाते हैं, क्योंकि वहां से आपको उस टाइम खुशी मिल रही है। बाद में क्या होगा इसके बारे में आप कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि यदि आज से, अभी से, इसी वक्त से आपने उसे रियलाइज करना शुरू कर दिया, उसके बाद उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन में आज से ही बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और इन सब चीजों की वजह से जो आप अपने जीवन में नकारात्मकता फील करते हैं, वो भी बहुत हद तक धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जिसे आप मानते तो हैं, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप उसे बदल नहीं रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।